नमस्कार विद्यार्थियों, भोजन और स्वच्छता में क्या संबंध है? बिल्कुल, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य में संबंध है। बिल्कुल, तो भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? हम भोजन को किस प्रकार ग्रहण करें कि हम स्वस्थ रहें, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन को हम खरीदने जाते हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि आजकल जब हम भोजन खरीदने जाते हैं तो चाहे वो खाद्य, किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वच्छ जगह से खरीदना चाहिए, स्वच्छ जगह से एवं स्वच्छ व्यक्ति से। स्वच्छ व्यक्ति का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। जिस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप समझ सकते हैं व्यक्ति को, मुझे मेरे ख्याल से इस लेवल पे आके आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हो, जिसके आसपास का भौतिक वातावरण जो स्वच्छता रखे हुए हो, हमें जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं उसको वहीं से खरीदने चाहिए। स्पेशली हम बात करते हैं खरीदते समय स्वच्छता की बात यदि हम करते हैं तो हम बात करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। दो जो चीज़ें हैं उसके अंदर स्वच्छता की खरीदते समय बहुत अत्यंत सावधानी और अत्यंत स्वच्छता की आवश्यकता होती है। अत्यंत सावधानी एवं स्वच्छता की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वह तुरंत हमारे शरीर के अंदर जाके टॉक्सिसिटी फैला देते हैं और हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। ठीक है, तो भोजन खरीदते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस समय खरीद रहे हैं, जैसे खरीद रहे हैं, उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। उसका जो व्यक्ति से आप जो तराजू वगैरह तोल रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं, यदि वह तराजू में तोल रहा है व्यक्ति, तो वह भी स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं है खाद्य पदार्थ स्वच्छ है, आसपास का वातावरण स्वच्छ है, वहाँ पे वो जो जो व्यक्ति सामान जिस जगह बेच रहा है वह भी स्वच्छ होनी बहुत ही आवश्यक होती है। यदि तराजू में किसी तरह की अस्वच्छता है होती है तो वह निश्चित रूप से वह जो गंदगी होती है वह आपके खाद्य पदार्थों में डायरेक्टली, आप कहें कि भाई हमने तो पॉलीथीन में पैक करके रख रहे हैं, परंतु वो पॉलीथीन तो आपके साथ में आ रही है ना, है ना, तो यानी आप किसी तरीके से गंदगी जो हो रही है वो आप अपने साथ अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं, यानी आप अपने घर में बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हो, जिस भी सामग्री का उपयोग आ रहा है खरीदते समय, वह सामग्री साफ होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हर बार उस पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए, हर बार उसको धोया जाए सामग्री को, परंतु फिर भी आपको दिख जाना चाहिए कि हाँ सामग्री साफ है, इसमें किसी भी तरह का मक्खी मच्छर नहीं बैठे हुए होने चाहिए। ठीक है, खरीदते समय आप ये ध्यान रखिए कि आप अपना जो घर में सिला हुआ कपड़े का जो थैला होता है उसको लेके जाएं और उसको आप शॉपिंग करें, बनिस्पत जबकि आप खाद्य सामग्रियों के लिए पॉलिथीन्स का उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग करना जितना हो सके उतना अवॉइड करें। स्पेशली हम जब सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जी में ये हम कर सकते हैं हमारे लेवल पे, हम हमारी स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए, हम एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इस तरीके का बैग का निर्माण करवा सकते हैं कपड़ों का, कि अलग 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 सब्जी अलग अलग उस बैग के अंदर ही कैटेगरी वाइज हो जाए और उसके अंदर हम सब्जी को रख के लेके आ सके। ठीक है, ये हम हमारे लेवल पर कर सकते हैं ताकि हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें। पॉलीथीन का उपयोग खरीदते समय करने से क्या होता है, घर आने के बाद हम तुरंत पॉलीथीन फाड़ के और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, वह हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है और हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो नुकसान पहुंचाती है। तो खरीदते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपना स्वच्छ बैग अपने साथ लेके जाएं ताकि आपका जो भी आप खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं वह आपके बैग में जाए, क्योंकि आपका बैग स्वच्छ है तो हो सकता है इतनी गंदगी आपके घर में ना पहुंचे, आपके घर में बीमारियों का प्रवेश कुछ हद तक रुक सके। भोजन खरीदने के पश्चात और घर में लाने से बाद यह ध्यान रखें, जैसे हम बात करते हैं हरी सब्जियों की, हम बात करते हैं सब्जियों की, हम बात करते हैं दालों की, तो आप इनको कई बार होता है कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं वह घर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, हमें
मालूम नहीं होता है ये कि हमारे साथ में वायरस हम घर पे लेके आ रहे हैं। हमने देख लिया स्वच्छ वातावरण है, परंतु व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं देखी, या व्यक्ति में किसी तरह का वायरस हो रहा था, जुकाम हो रहा होता है, खांसी हो रहा होता है, तो हमें वह रोग हमें भी लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम बात करते हैं कोविड की, जब कोविड की बात करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है ना। हमने उस व्यक्ति से जाके सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद में हमने उसको उपयोग कर लिया और हमें लगा कि हम तो कहीं गए नहीं, हमें कहाँ से संक्रमण आ गया, परंतु संक्रमण तो कहीं से आया है। तो घर में लाने के पश्चात जितनी भी आपकी सब्जियां वगैरह होती हैं, आप उसे अवश्य धोएं, उसको धूप में अवश्य रखें। अगर आप कुछ सब्जियां ऐसी आप नहीं धो सकते हैं तो अनिश्चित रूप से आप उसको धूप में रख सकते हैं, जिससे कि जो वायरस होता है वह वायरस खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। नेचुरल लाइट, नेचुरल धूप में अगर आप सामग्री को रखेंगे तो आपकी जो वायरसेस होते हैं वह धूप में हाई टेम्परेचर के कारण समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं दालों वगैरह की, सूखे अनाज की, तो अनाज और दालें जो होती हैं उसे कड़कती तेज धूप में अवश्य सुखाना चाहिए, जिससे उसके अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु और वायर होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और आपको भोजन को, खाद्य पदार्थों को संग्रहण में भी आसानी रहती है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं वह खराब नहीं होते हैं। भोजन पकाते समय, बहुत सारी सावधानियों की रखने की जरूरत होती है। जो बर्तन होते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता की। जो भी व्यक्ति खाना बना रहा होता है उसको ये चाहिए कि वह अपने शरीर को ढके रहे, अपने शरीर को जो हम डेली वियर करते हैं कपड़े, उसके अलावा एक एप्रिन होता है, एप्रिन से अपने शरीर को कवर कर दें और वह एप्रिन आप धो सकते हैं डेली। एप्रिन धोने से जो हमारे शरीर के कपड़ों में लगे हुए जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर प्रवेश नहीं करते। होता है ना, हम हमारे कोई भी कपड़ा होता है हम कपड़े से उठा के उसको रख लेते हैं, है ना, सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह तक रख सकते हैं। तो भोजन पकाते समय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही आवश्यक होती है। व्यक्ति के नाखून जो होते हैं वह कटे हुए होने चाहिए, व्यक्ति का एप्रिन पहना हुआ होना चाहिए और स्पेशली जो कैप होती है जो कि हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं, उसको पूरी तरीके से, सर जो होता है वह कवर होना चाहिए। सर कवर होने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर किसी तरह खुजली होती है और व्यक्ति खुजा लेता है और वहीं से वह व्यक्ति खाना भी बना लेता है, यानी कि हमारे सर की जो गंदगी होती है वह हो सकता है खाने में चली जाए और वह हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचा दे। तो इस नुकसान से बचने के लिए, इस अस्वस्थता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भोजन पकाते समय हमारे शरीर को, हमारे सर को पूर्णतः कवर करना चाहिए। नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, कटे हुए नाखून में मैल नहीं जमता है जो हमारे भोजन में किसी तरह से प्रवेश नहीं करता है। इसके अलावा आसपास का जो वातावरण होता है जहाँ भोजन पका रहे होते हैं वह, उसका साफ होना बहुत जरूरी होता है। उधर किसी भी तरह की जो मक्खी मच्छर बैठने का स्थान नहीं मिलना चाहिए। वो स्थान तब नहीं मिलता मक्खी मच्छर को बैठने का स्थान जब आप अपने जो भोजन जहाँ पका रहे होते हैं वह पूर्ण तरह साफ रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामग्री पूरी तरह से किचन में फैली हुई है, जहाँ पर भी खाना बनाया जा रहा है उस जगह पूरी तरह से किचन में जगह सामग्री फैली हुई है और इतनी ज्यादा फैली हुई कि उसको समेटने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। समेटने में प्रॉब्लम आएगी तो होता यह है कि इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर रख दिया गया और फिर बहुत सी हौच पोच सी हो जाती है। समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति, क्योंकि सामग्री बहुत सारी फैली हुई होती है तो निश्चित तौर पर गंदगी बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। और जहां पर भी गंदगी होती है निश्चित है कि वहां पे अस्वस्थता होनी होती है। ठीक है, तो भोजन पकाते समय व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्ति की जो जहाँ भोजन पका रहे होते हैं वहां पे आसपास का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, साथ ही जो भी बर्तन यूज किए जा रहे हैं पकाने के लिए उसको पकाने से पूर्व, ठीक है, जैसे हमने कढ़ाई यूज करी तो एक बार पानी से उसको धो के फिर आपको गैस पे रखना चाहिए। कुकर यूज कर रहे हैं, पानी से धो के उसको आपको गैस पे उपयोग में लाना चाहिए। इस तरीके से यदि आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप
और स्वच्छता को बुलावा नहीं दे रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट है भोजन परोसते समय, हमने खरीदते समय सावधानी रख ली, हमने संग्रहण के समय सावधानी रख ली, हमने भोजन को पकाते समय सावधानी रखनी, तो क्या हमें परोसते समय सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, भोजन भोजन परोसने का एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए। हो सकता है डाइनिंग टेबल हो, यदि आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं हो तो जो आपका किचन का स्लैब होता है वहाँ पे हम भोजन को बना के इकट्ठा कर रहे होते हैं। चार सामग्री हमारे किचन में रखी हुई होती है। यह अवश्य होना चाहिए कि हर बार आप यदि कोई भी सामग्री, भोज्य सामग्री, पकी हुई भोजन सामग्री आप ले रहे हैं, उसकी तुरंत पश्चात उस सामग्री को ढक दें। ठीक है, ढकने से क्या होता है कि आपके जो मक्खी मच्छर जो भोज्य सामग्री में बैठने वाले होते हैं वह नहीं बैठते हैं, किचन साफ रहता है। तो भोजन, और ये बात तो निश्चित है कि जो भोजन परोस रहा है वह व्यक्ति को भी साफ होना ही चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता उस व्यक्ति की भी रखनी चाहिए, परंतु ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भोज्य सामग्री भोजन परोसते समय बर्तनों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति को आप भोजन परोसने जा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो बर्तन होते हैं वह अच्छी तरीके से साफ एवं सूखे हुए होने चाहिए। कुछ बातें जो आप ध्यान रखेंगे स्वस्थ व्यक्तिगत स्वच्छता के तौर पे, वह याद रखेंगे, भोजन बनाने वाले स्थान, जब भी हम स्थान की बात करते हैं वह हवादार एवं सूर्य का उसमें प्रकाश होना चाहिए। हम सूर्य के प्रकाश की क्यों बात करते हैं, हम लाइट की क्यों नहीं बात करते? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सूर्य का प्रकाश नेचुरल लाइट में जितने भी वायरसेस, जीवाणु, कीटाणु जो भी होते हैं वह उस सूर्य के प्रकाश में यह क्वालिटी होती है कि वह उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उसके अंदर उसकी ये क्वालिटी होती है कि वह सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु को कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक वह उनको नष्ट कर सकता है, इसलिए उसके अंदर सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। नो डाउट हवादार भी होना चाहिए, वेंटिलेशन अगर प्रॉपर है, एक ही हवा अगर उसी पर्टिकुलर एरिया में घूमती रहेगी तो हवा के अंदर जो कीटाणु होते हैं वह कीटाणु भी क्वांटिटी वाइज बढ़ते रहेंगे, परंतु अगर हवा एक जगह से दूसरी जगह पर रोटेट होती रहेगी तो क्या होगा कि जो कीटाणु हवा के अंदर रहते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, यानी कि हवादार स्थान रहेगा तो हवा के अंदर उपस्थित कीटाणु जो होते हैं वह भोजन के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी खाना बनाएं यह अवधान अवश्य रखना चाहिए कि जो भी स्थान लें वह हवादार एवं उसके अंदर अच्छा सूर्य का प्रकाश होना होता है। रसोई घर की जो वस्तुएं होती हैं वह सुव्यवस्थित होनी चाहिए। निश्चित रूप से अभी हमने डिस्कस करा था भोजन पकाते समय की बात में कि जितने ज्यादा सुव्यवस्थित चीजें होंगी, सामान जहां से उठाए आपको वहीं रखना है, ज्यादा लेबर करने की आवश्यकता नहीं होती है उसमें। यदि आप एक सामान निकालेंगे दूसरा सामान निकालेंगे तो आपकी पूरी किचन के स्लैब में बहुत सारी बर्तन बर्तन सामान ही सामान हो जाएंगे, और जितने ज्यादा सामान होंगे उतनी ज्यादा अव्यवस्था फैलेगी, अव्यवस्था जितनी ज्यादा फैलेगी उतनी ज्यादा गंदगी फैलेगी, जितनी ज्यादा गंदगी फैलेगी उतनी ज्यादा आपका अस्वस्थता का जो लेवल होता है वह लेवल इंक्रीज होता जाएगा। खाना हमेशा ढक के रखें, खाना बना रहे हो, चाहे खाना आप परोस रहे हो, या खाना बन चुनने के बाद में कुछ इंटरवल का टाइम होता है आपके पास में, तो उस टाइम पे भी आपको ये निश्चित करना है कि जो आप आपके भोज्य सामग्री होती है उस भोज्य सामग्री को ढक के रखना आवश्यक होता है। खाद्य पदार्थों का संग्रहण का उचित स्थान होना चाहिए। संग्रहण के उचित स्थान में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि संग्रहण में स्थान जो होता है वह हवादार होना चाहिए, और जो स्थान होता है उसमें सूर्य का प्रकाश अवश्य आना चाहिए। जब हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण की बात करते हैं तो संग्रहण हम दो तरीके से करते हैं। एक संग्रहण तो हम वो करते हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं, डेली का जो फूड आइटम बनाते हैं, और जो हम इकट्ठा सामान साल भर का ले आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं दालों की, अनाज की, तो उनके संग्रहण का भी उचित स्थान होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में लाइट होनी चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर अमाउंट में हवा होनी चाहिए वहाँ पे, तभी, और इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हवा और लाइट हो गई है कि आपका हवा के कारण नमी आ जाए और नमी आने के कारण वो खराब हो जाए। तो हमें जब हम संग्रहण की बात करते हैं हमें बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए। हवा आनी चाहिए उस खाद्य पदार्थों में, नमी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। नमी का प्रवेश का मतलब होता है कि जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो सक्रिय होकर और जो खाद्य पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रख सकते हैं। खाद्य पदार्थ
अर्थ पकाने एवं परोसने के जो बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं वह निश्चित रूप से काफ़ी साफ होने चाहिए। वह जितने साफ और सुथरे और इतने अच्छे होते हैं उतना ही आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहता है। खाद्य पदार्थ बनाने एवं परोसने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता का निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति बना रहा है भोजन को और जो व्यक्ति भोजन को परोस रहा होता है उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति से जो कीटाणु होते हैं वह दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। बच्चों, भोजन कि जब हम बात करते हैं तो भोजन ऐसी चीज़ है जिसे आप खाने से न कि नहीं आपके केवल आपके तन की शुद्धा शांत होती है वरन आपके जो मन होता है वह भी शांत रहता है। जिस तरह का खाना खाएंगे उस तरीके का मन बनता है, ये तो आपने कहावत भी सुनी होगी। जिस तरीके से खाना बनाया जाएगा उस तरीके से, जिस मन से खाना बनाया जाएगा उस तरीके का खाना बनाएगा, ये भी आपने सुन रखा है। यानी जिस तरीके का व्यक्ति है उस तरीके का वह खाना बनाएगा, उस तरीके का खाएगा, उस तरीके का व्यवहार आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो और जब हम जब खाना बनाने वाले व्यक्ति का जो मिजाज उसके खाना बनाने पे असर कर सकता है तो आप ये सोचिए स्वच्छता कितना असर कर सकती है, कर सकती ना, बहुत मायने रखती है कि जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसकी स्वच्छता, उसका आसपास का वातावरण किस तरीके से होता है वह हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप इस प्रभाव को सुप्रभाव में भी परिवर्तित कर सकते हैं और आप इसको कुप्रभाव में भी परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप भोजन ग्रहण करेंगे उसमें भोज्य तत्व होंगे। भोज्य तत्व जो होते हैं वह हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मददगार होते हैं, और यह भोज्य तत्व जो हमारे शरीर को चलाने में मददगार होते हैं इनको बनाने में, इनको संग्रहण में, भोजन भोज्य पदार्थों को आपको स्वच्छता की बहुत ही आवश्यकता होगी। जितनी ज़्यादा आप स्वच्छता की बात करेंगे उतना ही ज़्यादा हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की जब हम बात करते हैं, एक बात और आपको बता दें कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना, खाना बनाने के मध्य में हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, खाना परोसने से पहले हाथ धोना, खाना खाने से पहले खाना परोसने से पहले हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सब छोटी 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 टिप्स हैं जो हम बचपन से सुनता है, परंतु यही टिप्स जो हैं वह आप देखेंगे COVID-19 में हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, यही हमें इस COVID-19 में संक्रमण से बचा रहे हैं। यानी हम हमारी जो पुरानी भारतीय शैली है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सभी धर्मों में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है। हाँ, तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है, परंतु कुछ चीज़ें सभी चीज धर्मों में कॉमन है। यदि हम उसको अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम हमारे हेल्दी रह सकते हैं।